बाबा दा ही क्यों, ओलू देनी ही क्यों। तो भाई खूबसूरती अगर आपने देखनी है और ये पैराग्लाइडिंग को अगर आपने एंजॉय करना है, और मजीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करो। बीचों बीच पहाड़ के जो है बिजली चली गई, पिछले 20 मिनट से जो है मैं स्ट्रक हुआ। तो ये इस जगह की खासियत है, जी हाँ दोस्तों। फिलहाल मैं जो है ना 1700 मीटर हाइट पे आया हूँ इस टाइम। ये फिलहाल बैक पे व्यू चेक करो, तो आगे पीछे का व्यू भी दिखाते हैं। ये थोड़ी सी चेयर लिफ्ट वगैरह है जो कि यार आज जो है ना 1 बजे चलेगी। ये वाली बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि यार 1 बजे क्यों चलेगी। मैं आज सुबह सुबह आ गया हूँ तो इसका मतलब आप ऐसे करेंगे ये तुर्किश लोग, यार ये तो ज्यादा है ना। यकीन मानो मज़ा नहीं आया, चेयर लिफ्ट में नहीं जाएंगे तो मज़ा नहीं आना था, अब पैदल जाना पड़ेगा। इधर आप हाइट चेक करो यहाँ से पैदल जाने की, ये हाइट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आगे आओ ज़रा मेरे साथ, पहले आप यहाँ से जो है ना 1700 मीटर की हाइट से ज़रा इसकी ऊंचाई चेक करो आप। आते जाओ आपको पूरी हाइट दिखाते हैं आज हम। तो मतलब तस्वीरें और वीडियोस वगैरह के लिए ना यहाँ पे भी काफ़ी पॉइंट है, मतलब आप उस कोने पे जाके भी बहुत अच्छी सारी तस्वीरें और वीडियोस वगैरह अपने लिए बना सकते हो, और यहाँ से भी आगे पीछे का व्यू आप चेक करो। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल मैं बाबा दा के टॉप पे आया हूँ। 1700 मीटर हाइट की ये ऊंचाई है। फिलहाल अभी आप यहाँ से देख सकते हो ये सारा नीचे ओलू देनिस है, और ओलू देनिस मेरा बहुत ही फेवरेट बीचेस में से एक बीच है। इसके अलावा ये जो नीचे राइट साइड पे आप समुंदर देख रहे हो, ये सारा फेथियस शहर है। यहाँ से मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार कितनी ज़्यादा हाइट पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। लेकिन मुझे जो है ना अभी फ़िलहाल फुल ऊंचाई पर जाना है, टॉप पे जाना है, लेकिन ना अभी जो है ना आज चेयर लिफ्ट बंद है और 1 बजे चलनी है। पता नहीं उस टाइम तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ कि नहीं। जी दोस्तों, फिलहाल आप देख सकते हो यार आसमान पे जो है ना सारे पैराग्लाइडिंग करते हुए आपको बाकायदा वाजिया नज़र आ रहे हैं। तो ये इस जगह की खासियत है, इसी वजह से मैं आप लोगों को हाईली सजेस्ट करता हूँ कि ओलू देनिस पे लाजमी आना, और पैराग्लाइडिंग के लिए ख़ास आपने ये लाजमी करनी है ओलू देनिस पे।
जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग जो है ना मुझे पूछते हैं कि भाई बाबा दा ही क्यों, ओलू देनीज ही क्यों। तो भाई खूबसूरती अगर आपने देखनी है और ये पैराग्लाइडिंग को अगर आपने इंजॉय करना है और यहाँ पे बोट टूर्स को अगर आपने इंजॉय करना है तो आपको ओलू देनीज तो आना पड़ेगा। ओलू देनीज अगर आप नहीं आओगे तो ये खूबसूरती आप इंजॉय नहीं कर सकोगे। यहाँ पे टेरेस में आप रेस्टोरेंट है, खाना पीना भी कर सकते हो टेरेस में, रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है, पॉइंट है, व्यू आप देखो ज़रा क्या कमाल का व्यू है। जी हाँ दोस्तों, बिजली जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जाती। अभी आप देख सकते हो मैं चेयर लिफ्ट केबल कार में बैठा हूँ, बीचों बीच पहाड़ के जो है ना बिजली चली गई। पिछले 20 मिनट से जो है ना मैं स्टक हुआ पर हूँ और कुछ नहीं पता बिजली कब आएगी। बार बार ऐलान कर रही है, तसलियाँ दे रही है कि बिजली आ जाएगी, घबराना नहीं, इमरान खान वाला डायलॉग, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। देखते हैं जी हाँ दोस्तों, जब भी आप फेथिया में आओ, खास ओलू देनीज में आओ, तो ये बोट राइड्स वगैरह आपने लाजमी लेनी है। बोट राइड की जो स्टैंड प्राइस चाह रही है ना वो 400 लीरा है, और अगर आप ये पैराग्लाइडिंग लेना चाहो, मतलब जंप लगाना चाहो, पैराग्लाइडिंग करना चाहो, तो इसकी प्राइस इस टाइम 2500 लीरा है, जिसमें वो आपकी तस्वीरें भी लेते हैं और वीडियोज़ भी लेते हैं। इसके अलावा अगर आप पैराग्लाइडिंग नहीं करना चाहते तो आप तब भी टॉप पे जा सकते हो, बाबा दा के टॉप पे जा सकते हो केबल कार के जरिए। केबल कार की अगर आप प्राइस की बात करो तो वो 170 लीरा है। और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ताकि आप लोगों को इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलें।